आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाने का सही तरीका और रूट क्या होता है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन के जो रिजल्ट हैं क्या वो एक दफ़ा लगाने से काफ़ी आ जाते हैं, उसके अलावा व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हुए हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइटनिंग इंजेक्शंस को हम कैसे लगा सकते हैं। बेहतर वैसे ये होता है कि आप इसको इंट्रावेनसली यानी आईवी के थ्रू ही लें, क्योंकि ये जब आईवी के थ्रू आप लेते हैं तो इसके जो डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं या इसके डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूटाथियोन बहुत जल्दी हमारी बॉडी में जाके डिग्रेड हो जाता है। तो लेकिन जब आप आईवी के थ्रू इसको लेते हैं तो ये इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता और ये जाके आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में अपना काम कर रहा होता है। तो इस वजह से आईवी रूट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो और आईवी में लेकिन ऐसा है कि हम इसको डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको एकदम से कोई हार्मफुल इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो इसको नॉर्मल सलाइन की ड्रिप के अंदर ऐड करके फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है स्लोली, ताकि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में एंटर हो और ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके ना आए। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जब भी आप ग्लूटाथियोन इंजेक्शन की फुल थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक टेस्ट डोजेज जो है वो आप ज़रूर पहले लगवा लें, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हुए हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हुए हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे एलर्जी है तो फिर आप जो है वो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस मत लगवाएं। उसके अलावा जो है आप अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो वो भी जो है व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाने से अवॉइड करें, और अगर किसी की एज जो है वो 16 साल से कम है तो वो भी जो है व्हाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लगवाएं, और उसके अलावा अगर किसी के किडनी और लिवर के अंदर डैमेज है तो वो भी व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो देखभाल के और डॉक्टर के मशवरे से लगवाएं। और लगवाने से पहले कोशिश करें कि एक टेस्ट आता है लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT कहते हैं जिसको, वो ज़रूर करवा लें। तो इस तरह से जो है फिर आप आराम से अपने व्हाइटनिंग इंजेक्शन की थेरेपी ले सकते हैं इन प्रिकॉशंस के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं वो परमानेंट होते हैं या नहीं होते। तो बिल्कुल व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट होते हैं वो बिल्कुल परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर होता है या पोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है या यूवी रेस से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उनकी जो है वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का एक मेंटेनेंस डोज या जो भी जितने भी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस डोज होते हैं वो आप ज़रूर लगवाएं, ताकि जो है आपको आपके जो भी इम्पैक्ट जैसे ही कम हो तो आपका वो मेंटेन रहे जो भी आपका स्किन कलर है।